देख लेते हैं सर्कल का जो सेकंड थ्योरम है, सर्कल में जो दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि सर्कल है और ये टेंजेंट, ठीक है। तो ये टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट से जो रेडियस होता है वो क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सर्कल में, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है, सर्कल है टेंजेंट से रिलेटेड यहां पे कॉन्सेप्ट है। तो इसके सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पी से मान लेते हैं सर्कल पे, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पी है, ठीक है। तो यहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप, सबसे पहले ये देखिए, दो टेंजेंट पर ड्रॉ कर सकते हो। पहला ऐसे और दूसरा ऐसे, मतलब पॉइंट पी से दो ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, पी ए एंड टी बी। ओके, नाम दे देते हैं। तो ये पी ए और पी बी दो टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, दो ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से। सबसे पहले ये ध्यान दें, ठीक है, दो ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। और सबसे यहाँ पे स्पेशल चीज ये है कि दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, मतलब पी ए और पी बी जो होते हैं ये दोनों ही इक्वल होते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो इस थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किए हुए टेंजेंट्स लेंथ में इक्वल होते हैं, क्लियर। तो ये हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सर्कल है इसका सेंटर ओ है मान लेते हैं, इसको सेंटर को ए से ज्वाइन कर देते हैं और बी से भी ज्वाइन कर देते हैं। तो क्या होगा, ये जो रेडियस है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे आप देख रहे हैं कि OA इज परपेंडिकुलर ऑन B एंड OB इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन P। ये दो चीज हमें मिल गया। प्रूफ कैसे करेंगे, इस O को A से ज्वाइन कर देते हैं, सॉरी P से, O को P से ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहां से दो ट्रायंगल हमें मिल जाता है, कौन कौन सा ट्रायंगल, PDO एंड PAO। अब आप यहां पे देखते हैं, द इन ट्रायंगल्स PAO एंड PDO, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या देखने को मिलता है, PAO और PDO में ट्रायंगल्स PAO एंड PBO, इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पे हमें ये मिलता है कि PO जो है वो कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। ये दोनों ऊपर नीचे दो ट्रायंगल बने हुए हैं जो हमें दिख रहा है, इन दोनों में PO कॉमन है। सबसे बड़ी चीज क्या है यहां पे, ये जो साइड है इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। आप देखिए ये 90 डिग्री है, ये जो ट्रायंगल है PBO, PBO में हाइपोटेनस क्या होगा, PO होगा। और एज वेल एज इन दिस ट्रायंगल आल्सो PAO में भी PO क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो ये हाइपोटेनस है और OB OA इज इक्वल टू OB भी है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाइज है, क्लियर। OB इज इक्वल टू OA, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है, क्लियर। तो आप RHS क्राइटेरिया यहां पे पढ़े हैं पहले, RHS में क्या होता है, इन राइट ट्राइंगल्स हाइपोटेनस एंड वन साइड आर इक्वल देन बोथ ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे आप इसी क्राइटेरिया को अप्लाई कर देते हैं बाय RHS, ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO, ये दोनों ही क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हेंस बाय सीपीसीटी आप लोग पढ़े हैं, बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, पीए इक्वल टू पीबी, भाई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट
पी बी है, ये इक्वल हो गए, बस इस तरह से ये प्रूव हो गया। ओके okay?